नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभय चौरसिया आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चर्म रोगों की बहुत ही अच्छी दवा के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज की हमारी दवा का नाम है एंटीमक्रूड, जो गोखरू की समस्या, मस्सों की समस्या और छोटे छोटे दानों निकलना और सभी तरह के चर्म रोगों को ठीक करने का कार्य करती है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है, जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, कृपया करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रोग उत्पन्न होने के कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा नदी नहाते हैं या ज़्यादा ठंडे पानी का स्नान करते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने वाले लोग, डिसअपॉइंटेड लव की कंडीशन, प्रेम से वंचित रहने की स्थिति में, पाचन की क्रिया इसमें गड़बड़ हो जाती है, चर्म रोग दब जाते हैं, सूर्य के प्रकाश की गर्मी से रोग का बढ़ना, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द होना, कंजेशन होना यानी सिर में रक्त का संचय होना, बुखार आना। दोस्तों, ये दवा चर्म रोगों में विशेष लाभ देती है। त्वचा में दाने निकलना या कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, त्वचा मोटी हो जाती है, पैर के तलवे में गोखरू हो जाता है जो बहुत दर्द देता है, छोटे छोटे दाने निकलते हैं, मस्से निकलते हैं, त्वचा में जलन हो और खुजली हो, ऐसे सभी लक्षणों में ये दवा बहुत लाभदायी है। पेट संबंधी लक्षण, सुबह सुबह इसमें दस्त होता है, कभी पेशेंट को कब्ज होता है और कभी पेशेंट को दस्त होता है। दोस्तों, ये दवा म्यूकस मेम्ब्रेन में अच्छा असर दिखाती है, बवासीर रोग को भी ठीक करने का कार्य करती है। मरीज ब्रेड, पेस्ट्री, एसिड्स जैसी चीज़ों को खाता है और बीमार रहता है। नाखूनों के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करती है ये दवा, जहाँ पर नाखूनों में वृद्धि नहीं होती है और ये नाखून आसानी से टूट जाते हैं, जीभ पर सफ़ेद रंग की ऊपर परत जमा होती है। दोस्तों, ये दवा को डाइल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। किसी कुशल चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ये दवा लें और जानकारी को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।